हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार, कैसी तबीयत है? सो वेलकम टू आवर व्लॉग नंबर 20। आज के व्लॉग में यार, जो कल परसों से काम रुका हुआ है ना, वो आज हर हाल में पूरा करना है। आज लाजमी हर हाल में हमने जाना है एम्पोरियम, एंड वहां पर जाके जो हमारा सूट बचा हुआ है ना, उसको लेकर आना। ये ना हो कि वो पैसे खा के मुकर जाए, ओके है ही नहीं ये वाला पीस, नहीं आप कोई रिप्लेसमेंट में कुछ और ले लें। तो आज हर हाल में जाना है, आज लेट नहीं होना। बेसिकली यार, जाना होता है, काम काफ़ी सारे पेंडिंग होते हैं, करने होते हैं, लेकिन क्या है कि रोज़मर्रा मसरूफियात, जो सबसे ज़्यादा वेला होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बिजी होता है, उसको वेला समझ कर कोई ना कोई काम पकड़ा जाता है। तो ऐसे ही कुछ सीन अपना भी है, हर एक को लगता है कि वेला है, कोई काम है नहीं करने को, तो ऐसे ही करते करते सबसे ज़्यादा काम वेले बंदे के पास ही होता है। तो इसी तरह से मसरूफियात है कुछ, कल का पूरा दिन घर की सेटिंग में और इन चीज़ों में निकल गया, फिर उसके बाद बाहर चले गए, एंड फाइनली वी आर होम। रात को जब आए तो उसके बाद अब जाकर हम लोग जाने लगे हैं बाहर, तो निकलते हैं। आज का टूर आप लोगों को करवाएंगे। आज एम्पोरियम की बजाय हम लोगों ने एक और भी हॉट पॉट रेस्टोरेंट का प्लान बनाया हुआ है, तो वहाँ पर भी जाएंगे, एंड जब वहाँ पर जाएंगे तो जाकर आप लोगों को कंटिन्यू करवाएंगे जर्नी, हॉट पॉट का खाना कैसे है रिव्यू करेंगे। फिलहाल तो एम्पोरियम है वो दूसरा घर बन चुका है, 2 मिनट का काम है, वो भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग। 3 चक्कर लगा चुका हूँ, 3रे चक्कर में जाकर पार्किंग मिली है, एंड शुक्र है अगर मिली भी है तो बिल्कुल गेट पर मिली है। अल्लाह, बड़ा रश है एम्पोरियम में, बहुत ज़्यादा रश है। फाइनली आज अपना काम करते हैं। यार यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल चल रहा है एम्पोरियम में, विच विल स्टे टिल 24th of July, एंड 25th June से स्टार्ट हुआ है। इधर हर किस्म के अंब शंब मिल रहे हैं। सो अभी जा रहे हैं आगे, थोड़ा जाकर खाते हैं अपनी जेलो पेलो, कोई आइसक्रीम है कुछ इस किस्म की है, लेट्स ट्राई इट। मनोलो जिलाटो, यहाँ की आइसक्रीम ट्राई करते हैं। किस्म की आइसक्रीम्स हैं, लेकिन चीज़ केक, कोकोनट, वनीला वगैरह, मिक्स बेरीज, योगर्ट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो। यार दिमाग इधर जा कर रहा है, स्नीकर्स होते हैं क्या कहते हैं, ट्राई करके देखते हैं यार इधर की स्नीकर्स कैसी है। द वेट हैज कम टू एन एंड, यही था वो सूट जिसके लिए हम 2 दिन से ख्वार हो रहे थे। गन्ने का जूस भी ट्राई करते हैं यार, मूड हो रहा है। खाने पीने का भगाई शुकीर है आप लोगों का, ये बिल्कुल मंगोल मैनलोला जिलिटाओ के साथ है फायर के नीचे। ये हमारा गन्ने का जूस तैयार हो रहा है, इसमें फुल मसाले शसाले सारा कुछ डलवाया, नींबू शिबू, एक तैयार हो गया, दूसरा इज़ ऑन द वे, एंड ये फ्रेश मैंगो कटिंग हो रही है, ये मैंगो शेक तैयार हो रहा है। गन्ने का जूस रेडी, गन्ना कब से डाला हुआ था लेकिन अभी कतरा कतरा करके निकल रहा है। मज़ेदार है यार, बहुत मज़ेदार है वो, जो अंदर पता नहीं काला नमक और नींबू वगैरह डाला है ना, उसकी वजह से और ज़्यादा चीसा हो गया, चस्सा आ गई है। इनके मैंगो शेक भी ट्राई करके देखते हैं कैसा है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। अच्छा, लेकिन लसानी वाले का मुझे पता नहीं, जायका दिमाग को चढ़ गया, वो ज्यादा अच्छा लगने लगा। इसका भी अच्छा है, नॉट बैड। चल झूठा। आए हुए इन फ्रेंड सेक्शन गिफ्ट लेने के लिए, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसमें पूरी वेस्ट कोट टाइप शर्ट सारा कुछ है। तो मैंने कहा कि क्यों ना गिफ्ट शिफ्ट हो जाए, किसी को गिफ्ट देना है, तो बच्चा पार्टी एम्पोरियम में है ऊपर, तो वहीं से दिया जाए।
आपका भाई। इधर ना यार बच्चों के रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, गौर से देख रहे हैं वो भी वीडियो में। देखा यार इधर सैंडल बड़े प्यारे प्यारे मज़ेदार लगे हुए हैं बच्चों के, जैसे कि एक ये है, ये है भी 3 to 6 months, बड़ा खूबसूरत किस्म का है। मुझे बच्चों की चीज़ों का बड़ा शौक है वैसे ख़रीदने का, अपने भी होने ही वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये डन हो गया भाई, अभी इसको जाके गिफ्ट में पैक करा लेते हैं, कैसा है यार? हमने सोचा है कि इसको ज़रा पैक शैक भी करा लें ताकि प्रॉपर गिफ्ट बन जाए। शॉपिंग तो हो ही गई है, ये गिफ्ट रेडी हो गया ऑलमोस्ट। सही रैप शैप हो गए हैं, रेडी हो गए यार, गाड़ी में आ गए हैं, बैठे हैं, थक गए हैं, बस हो गई है। अंदर ना आज आवाम ज़्यादा है, वीकेंड है ना तो रश ज़्यादा है, तो उसकी वजह से एसी भी सही से काम नहीं कर रहा, अंदर बड़ा पसीना आ रहा था। सो फाइनली बाहर आए हैं, आके गाड़ी में बैठे हैं, अब निकलते हैं घर की तरफ। यार आज हमारा प्लान था हॉटपॉट का, जैसे सुबह डिस्कस हुआ था व्लॉग के शुरू में, लेकिन मसला ये है कि जो हॉटपॉट है वो है गुलबर्ग में, एंड अभी आज एहतजाज है। सो वो तो इस्लामाबाद में है, लेकिन हर शहर में लोग निकले हुए हैं अपनी अपनी जगहों से। सो अगर हम गुलबर्ग या लिबर्टी वाली साइड पर गए तो जाकर फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा रश होगा। सो लिहाजा उसका एक हल निकाला है, उसका हल ये है कि विल गाइस गो समवेयर एल्स, कुछ और अच्छा वाला देखते हैं, कुछ और अच्छी चीज़ देखते हैं, अगर समझ में आता है तो उधर जाते हैं। फ़िलहाल गुलबर्ग या लिबर्टी वाला सीन ऑफ है क्योंकि वहाँ पर रश होने पड़ा था। तो यार ये गुलबर्ग के रश की वजह से हम लोग आ गए हैं स्टोन ऑफ, अंदर जाते हैं जाकर चेक करते हैं, पिज़्ज़ा वैली लिखा हुआ है। अभी ज़रा अंदर जाते हैं, अंदर जाकर चेक करते हैं क्या सूरत हाल है, खाना कैसा है इसका। प्लान चेंज हो गया है क्योंकि गुलबर्ग में तो वो एहतजाज वगैरह चल रहा है। सो इधर लेट्स हेड इन, व्यू तो इनका काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ेदार किस्म का लग रहा है। चीज के साथ में जो पीनो में धुआं आ रहा ना गरम गरम है, चीज़ खाए तो कालू को लग देते हैं। अच्छा मजे कर यार, बहुत ज़्यादा खा लिया, मतलब कि
पिज़्ज़ा इनका इतना ज़्यादा मज़ेदार था कि बस हो गया, ओवर ईटिंग कर ली है। अब बैठा नहीं जा रहा, दिल कर रहा है कि यहाँ से उठ के बंदा कहीं जाकर चक्कर लगाए, थोड़ा चले, बस सोई पड़ी। सो ये है इनका कबाबिश पास्ता, एंड जस्ट अभी आया है। पिज़्ज़ा खा खा के बस हो गई, ये फटने वाले हो गए हैं, जगह नहीं है पेट में। बहुत मज़ेदार था, एंड ये भी देखने में बहुत मज़ेदार लग रहा है। नेक्स्ट हिम्मत नहीं खाने की, लेकिन सीरियसली बहुत मज़ेदार है। आई थिंक यू गाइस मस्ट ट्राई दिस रेस्टोरेंट। लाजी मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस है, रोड से गुजरते गुजरते एम ही आ गए थे, लेकिन सीरियसली बहुत मज़ेदार किस्म का एक्सपीरियंस है। अब तो सच बोल दे, बहुत ज़्यादा खा लिया यार, बहुत ज़्यादा खा लिया, यकीन मानो। इनका कबाबिश जो था ना, बड़ा मज़ेदार था, सेक्सी किस्म का था। पिज़्ज़ा बकाया, और क्या मंगवाया था हमने, चीज़ स्टिक मंगवाए थे, वो भी काफ़ी मज़ेदार थे। तीसरी चीज़ हमने मंगवाई थी पास्ता, पास्ता भी ठीक था, ओके था, लेकिन जो पिज़्ज़ा था ना, कसम से बहुत मज़ेदार था इस जगह का। मैं तो अंदर बैठा हुआ, यानी ओवर ईटिंग करके ना आवाज़ आ रहा हो गया था, थोड़ी देर के लिए उठकर बाहर आया हूँ चक्कर लगाने के लिए। चक्कर लगाया, लेकिन मसला ये है कि बाहर गर्मी है, गाड़ी में आकर बैठ गया हूँ। लेकिन सीरियसली काफ़ी मज़ेदार सीन था, नो डाउट, बहुत मज़ेदार था पिज़्ज़ा, वल्ला बहुत मज़े का था। मतलब जो उसके ऊपर सॉस, चीज़ और जो उसकी चिकन की टॉपिंग थी, मतलब ये सारा कुछ ओवरऑल ना बहुत ज़्यादा तबाही का और मज़ेदार था। इट वॉज ब्यूटिफुल, ऑसम। बकाया मज़ा आ गया, स्पेशली इसके साथ मिरिंडा ली हो। प्राइस भी अच्छे थे इनके, ठीक थे, ओवरऑल खाना अच्छा है इनका। यानी अगर आप पिज़्ज़ाज में जाएं तो नो डाउट बहुत अच्छा है। अपने पन के साथ कल हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, शाम पाकिस्तान शाम 4 बजे एंड कुवैत टाइम दोपहर 2 बजे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, यही 3 काम है, कर लिया करो। वीडियो शीडियो देखते हो, थोड़ी बाइक की मदद इमदाद किया करो, इन्जॉय कर रहे हो लाइफ यार। एंड बकाया यार, अगर आप लोगों के दिमाग में भी कोई और जगहें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में कुछ और घूमने लाइक है, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि मैं भी वो जगहें विज़िट कर सकूं, मैं भी थोड़ी मौज मस्ती करूं और आप लोगों को भी करवा सकूं। सो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, एंड सीरियसली अगर कोई ज़बरदस्त जगह है जो आप लोगों को अच्छी लग रही है, जिधर आप चाहते हैं मैं विज़िट करूँ, सो डू रिकमेंड इन कमेंट्स एज वेल। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, एंड इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, फ़ी मानिल्लाह।